हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। हमने आपको बताया था कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग पहले NCERT कर रहे हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अच्छे से। जैसे आपको पता है क्लास 12th का कंप्यूटर नेटवर्क हमने कवर कर लिया, तो अब हम क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं, ये है फर्स्ट चैप्टर। 5 से 6 क्वेश्चन TRE 2.0 में डायरेक्टली इस चैप्टर से आए थे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बाकी चैप्टर के लिए बेस का भी काम करेगा, तो ये उसके अलग फ़ायदे हैं। लेकिन मेन फ़ायदा है कि इसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ये है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इसमें जो जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक देख लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम इवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, माइक्रो प्रोसेसर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहे हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्टली इस चैप्टर से आए थे, ये बस कुछ पेज से आए थे, ठीक है। मतलब जो डुएबल थे बस इस PDF से, ऐसा नहीं कि इस टॉपिक से आए थे और इस वीडियो से या इस चैप्टर से नहीं हो रहा था, इस चैप्टर से डायरेक्टली उठ के आए थे क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं, एक एक लाइन करते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। क्योंकि देखो इसमें एक एक चीज़ इतना इंपॉर्टेंट है ना NCERT की, इसका नोट्स बनाने से नहीं होगा। इस ये आप PDF डाउनलोड करना है और मेजॉरिटी चीज़ इसका ध्यान में रखना है, ठीक है ना। NCERT में कम दिया होता है लेकिन इफेक्टिव चीज़ दिया होता है, सब कुछ ध्यान में रखना होता है। चलिए सबसे पहले एक डेफिनीशन दिया है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर क्या करता है, रिजल्ट दिखाता है। जिसको इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ये प्रोसेस अंदर प्रोसेसिंग कुछ होता है और ये फिर आउटपुट दिखाता है। और कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ मेनली होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है ना। इन टोटल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, क्लियर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेनली तीन चीज़ होता है, एक होता है CPU, दूसरा होता है मेमोरी, ठीक है, थर्ड होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, और आप इसको मेमोरी के अंदर ही स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं देखो इनपुट आउटपुट, आप एक चीज़ ये हो गया, दूसरा CPU बोल सकते हो और तीसरा स्टोरेज डिवाइसेस बोल सकते हो। तो आप मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस को एक साथ रख सकते हो। तो मेनली हमने बोला तीन चीज़ है, ये आपको जैसे ध्यान रखना है वैसे रख सकते हो। ये नहीं पूछेगा कि कितने पार्ट है, कितने कंपोनेंट है, नहीं पूछेगा, ठीक है। और सबके सब जितने भी पार्ट्स आप दे रहे हो, सबके सब एक साथ काम करते, एक साथ सिंगल यूनिट में काम करते, तभी जाके डिजायर रिजल्ट आता है। नहीं तो सब किसी में से कोई एक भी खराब हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और आपको जो कंप्यूटर है वो अलग अलग फॉर्म में वेरी होता है, चाहे आपको डेस्कटॉप के फॉर्म में हो, स्मार्टफोन के फॉर्म में हो, कंप्यूटर लैपटॉप, लेकिन हाई एंड सर्वर हो, कुछ भी हो, लेकिन काम उसका वही होता है, ठीक है। ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। ऐसे डेटा फ्लो होता है, इनपुट डिवाइस से डेटा जाता है CPU में, CPU से फिर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस पे शो करता है, ठीक है। तो इतना पहले ध्यान रखिए। अगर हम बात करें एक इनपुट डिवाइस है CPU, CPU के अंदर तीन चीज़ होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और ये है आउटपुट डिवाइस, और एक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम CPU के बारे में समझ लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद देखिए, ध्यान रखिए, CPU एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्चुअल प्रोसेसिंग, एक्चुअल काम यही करता है, ध्यान देना, एक्चुअल काम यही करता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं इसको। CPU ना बोल के कभी कभी हम सीधा प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, सीधा प्रोसेसर बोलते हैं। और CPU के अंदर एक या एक से ज़्यादा माइक्रो चिप्स होते हैं, CPU के अंदर एक या एक से ज़्यादा माइक्रो चिप्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, IC बोलते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं CPU कई सारे IC से मिला है, और IC में क्या होता है, कौन से मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। प्लीज़ एक बारी आप बस कर लेना, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट सेक्शन में करना कि कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है IC में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, क्लियर, क्लियर है ना। ये समझ गए ना कि CPU क्या होता है, CPU के अंदर एक या एक से ज़्यादा माइक्रो चिप्स होते हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं,
और इंटीग्रेटेड सर्किट एक सेमी कंडक्टर मटीरियल से बना होता है, आपको कॉमेंट करना है कौन से सेमी कंडक्टर मटीरियल से। क्लियर, ये बेसिक बेसिक बात हो गई। अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू कोई भी डेटा एक्सेस करता है कोई ना कोई प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, सीपीयू को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कोई ना कोई प्रोग्राम के थ्रू। तो सीपीयू अब क्या करता है, सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम, प्रोग्राम को फेच करता है मतलब प्रोग्राम को यूज करता है, और डेटा कहाँ से लेता है, मेमोरी से डेटा लेता है, और दो ऑपरेशन करता है, एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट, ये दोनों इंस्ट्रक्शन करता है। और एक बार ये डेटा ले लिया और डेटा का काम हो गया तो डेटा को टेम्पररी मेमोरी में ही क्या कर सकता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, यहाँ देखो जब CPU, ध्यान देना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जब डेटा को एक्सेस कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, तो क्या करता है, डेटा को एज वेल एज इंस्ट्रक्शन को, डेटा अगर आइडेंटिकल है मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन में डेटा है ना, अच्छे से रखा हुआ ना, तो उसको इंस्ट्रक्शन बोल देंगे। जैसे एग्जांपल है ABCD, ये बस एक डेटा हुआ, बट कुछ ऐसा बोला जाएगा, जैसे कुछ दिया जाएगा, कुछ बोला जाएगा जो जिसका कोई मतलब रहेगा, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन बोल देंगे। देखो जब प्रोसेस हो रहा है तो सीपीयू क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकल मेमोरी में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। लोकल मेमोरी हमको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो आप बोल सकते हो ये रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही होता है, हाँ करेक्ट बोला, रजिस्टर इज ए पार्ट ऑफ सीपीयू चिप, सीपीयू चिप के ही अंदर होता है। बट इसका, क्योंकि इसका बस क्या काम था, जब डेटा प्रोसेस हो रहा था उस समय डेटा को स्टोर करना, तो इसका साइज और जो नंबर होता है ना वो लिमिटेड होता है। रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर आर यूज फॉर डेटा स्टोरिंग, इंस्ट्रक्शन और इंटरमीडिएट रिजल्ट, मतलब डेटा को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना ही काम होता है रजिस्टर का। ठीक है, रजिस्टर के अलावे सीपीयू के अंदर मेन दो कंपोनेंट है, एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, जोर घटाओ गुना भाग, और दूसरा लॉजिक इंस्ट्रक्शन करता है। लॉजिक इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि माई एज इज लेस देन योर एज, ठीक है, ऐसे जो कंपेरिजन होता है। उसके बाद लॉजिक ऑपरेशन डैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा प्रोग्राम में वो, अब उसके हिसाब से। अब दूसरा होता है क्या, कंट्रोल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड गाइड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, ALU इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। देखो सिंपल, ये सबसे पहले दो इंस्ट्रक्शन को, एक सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, किस कंट्रोल यूनिट ये भी देखता है ना कि भाई एक इंस्ट्रक्शन जो है ना, इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि जिस सीक्वेंस में आना है जो डेटा उसी हिसाब से है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमको लेना है कि पहले 4+3 आना चाहिए, तो अब पहले प्लस डेटा ले लो, या मान लो 4-3 है तो पहले माइनस का साइन ले लो, 4-3 डालोगे फिर 4 डालोगे, कोई मतलब इसका बना नहीं। तो यानी कोई भी क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि सिक्वेंशियल में, सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो, और इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है, समझता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, 4 का मतलब क्या, 3 का मतलब क्या, और इवन एक गाइड करता है डेटा फ्लो को। ठीक है ना, डेटा फ्लो होता है थ्रू कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसके थ्रू, ध्यान देना, इसके थ्रू अगर डेटा फ्लो होता है, इसके थ्रू डेटा फ्लो होता है तो ये कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम देख लिया ना आपने, इसीलिए सीपीयू को आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिटेल में जिस पे क्वेश्चन आया था वो आगे 1.5 इसी में हम करने हैं। तो अब देख लो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम था और कंट्रोल यूनिट का क्या काम था, सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को जो दिया गया उसको पढ़ता है, इंटरप्रेट करता है, समझता है।
अब अगला इनपुट डिवाइस के बारे में करना है। देखो ये क्या करता है, ये डिवाइस, इस डिवाइस जैसे मान लो एक डिवाइस है, आप ले लो ये ले लो कीबोर्ड ले लो, इसके थ्रू कीबोर्ड के थ्रू हमने क्या किया, कंट्रोल सिग्नल को हम किसके पास भेज रहे हैं, कंप्यूटर के पास भेज रहे हैं। कंट्रोल सिग्नल को जो भी आपको करना है वो किसके पास भेज रहे हैं, कंप्यूटर यानी सीपीयू के पास भेज रहे हैं। और कीबोर्ड ही क्या करता है, इसी का काम होता है, जो डेटा आपने लिया, मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ धीरज, तो क्योंकि कंप्यूटर को धीरज वर्ड पता ही नहीं, कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म में जानता है, तो ये इस इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम इस धीरज वर्ड को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि ये धीरज कन्वर्ट हो गया इस डेटा में डिजिटल फॉर्म में। एग्जांपल इनपुट डिवाइस का है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। उसके अलावे एक ब्रेल कीबोर्ड होता है जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होता है। उसके अलावे डेटा को आप इंटर कर सकते हैं इवन थ्रू वॉइस, जैसे गूगल वॉइस आपको पता है, कोई भी वेब सर्च करना हो और यूट्यूब पे कुछ सर्च करना हो तो आवाज़ के थ्रू भी कर सकते हो। अब डेटा जो इनपुट डिवाइस के थ्रू जो डेटा इंटर हो रहा है उसको टेम्पररी स्टोर करना है, टेम्पररी कुछ समय के लिए, तो मेन मेमोरी में करेंगे। मेन मेमोरी को हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम परमानेंटली स्टोर करना है, परमानेंटली ताकि फ्यूचर के यूज के लिए रखा जा सके बाद में, तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। परमानेंट मेन मेमोरी क्या है, टेम्पररी रखना है तो, और सेकेंडरी मेमोरी अगर परमानेंटली रखना है तो। अब ये उल्टा करता है, देखो इनपुट डिवाइस क्या कर रहा था कि हम जो भी डेटा ले रहे हैं यानी इनपुट सिग्नल जो भी दे रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब यही डिजिटल फॉर्म हमारे मॉनिटर पे शो करने लगे तो आप भी नहीं समझोगे इसको, तो आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर क्या करता है, इस डिजिटल फॉर्मेट को यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि इंसान समझ तो जाए, ठीक है ना। ऐसे डेटा एग्जाम्पल क्या क्या है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब है। उसके अलावा दो, एक तो डिस्प्ले करने के लिए भी यूज होता है आउटपुट डिवाइस, और एक फिजिकल प्रोडक्शन, जैसे प्रिंट आप करो, पेज पे प्रिंट करें, ये फिजिकल प्रोडक्शन इसको बोलेंगे। बट डिस्प्ले करना सिर्फ हमें स्क्रीन पे दिखा देना, इसको नॉर्मल डिस्प्ले बोलते हैं। उसके अलावा ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर होता है विजुअली चैलेंज पीपल के लिए, ये याद है। अब प्रिंटर क्या करता है, एक फिजिकल डिवाइस को प्रिंट करता है, ठीक है। थ्री टाइप कॉमनली यूज प्रिंटर, ध्यान देना, प्रिंटर के तीन मेन टाइप है, इंक जेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स। क्या है, इंक जेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स। और इसके अलावा नया प्रिंटर अभी यूज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं 3D प्रिंटर। अगर कोई फिजिकल रेप्लिका बनाना है, जैसे पोस्ट ऑफिस बनाया गया था 3D प्रिंटिंग से, और अलग अलग सामान बनाए जाते हैं, और दिस प्रिंटर आर बींग यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्रिएट प्रोटोटाइप। देखो अगर कोई प्रोटोटाइप अपने छोटा घर का प्रोटोटाइप बना ले इस टाइप से, उसी को प्रिंटर 3D प्रिंटर से उसका मेन घर आप बना सकते हो, ठीक है। देयर यूसेज इज ऑल्सो बींग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन बनाने में यूज होता है, हो सकता है। उसके अलावा देखो पंच कार्ड क्या होता है, इस तरह देखो, पंच कार्ड इज ए पीस ऑफ स्टिप पेपर डेट स्टोर डिजिटल डेटा इन द फॉर्म ऑफ होल्स एट ए प्री डिफाइंड पोजिशन। ध्यान देना, डिजिटल डेटा को दिखाता कैसे, होल्स के फॉर्म में दिखाता है, एट प्री डिफाइंड पोजिशन, पहले से डिफाइन है कि किस पोजिशन पे है। अब देखो कंप्यूटर, सेकेंड टॉपिक कंप्यूटर का इवोल्यूशन। हमें लगता है कि जो हम अभी देख रहे हैं ना वैसा ही कंप्यूटर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआती बिल्कुल कैसा था, सबसे पहले क्या था, एबेकस था, ठीक है, एबेकस। कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ एबेकस, ये ऑलमोस्ट 3000 साल पहले एक मैकेनिकल डिवाइस था, सिंपल। इसका काम क्या था, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना, जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब करना। और उसके बाद अब मेन आता है 1642 ईस्वी में, जिसका नाम है पास्कलाइन।
ये किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पैस्कल ने। ब्लेज पैस्कल ने। इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर भी बोलते हैं और इसको पैस्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं, या और जो पास्कलाइन टू डू एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर डायरेक्टली एंड मल्टीप्लीकेशन डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। समझ रहे हो ना आप क्या कर रहा है? देखो, अगर इसको ऐड करना हो और माइनस करना हो तो सिंपल कर देगा, बट इसको गुना करना है, मतलब इसको करना है 4:3, तो ये पता है क्या करता है? 4 4 4 ऐसे कर देता है। अब इसको करना है 4 / 2, तो क्या करना है? माइनस करके कर रहना है, ठीक है, माइनस करके करेगा। अर्थ नेक्स्ट क्या है? एनालिटिक इंजन। देखो, इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, ये कंफ्यूज मत करना, चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसको? एनालिटिकल इंजन को। ये भी एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है। देखो सिंपल, ये भी मैकेनिकल है, ये भी मैकेनिकल है, तो आपसे ये भी पूछ सकता कि भाई इसमें से मैकेनिकल कौन सा है, डिजिटल कौन सा है। ये भी इनपुटिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग एंड डिस्प्लेसिंग द डेटा, और ये बोला जाता ना कि यही बेसिस बना मॉडर्न कंप्यूटर का, कौन? एनालिटिक इंजन। इसलिए ना चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का फादर बोलते हैं। अगला क्या है? टैबुलेटिंग मशीन। क्या है? टैबुलेटिंग मशीन होलेरिथ ने डेवलप किया। किसने? होलेरिथ ने डेवलप किया। ये क्या कर रहा है? देखो, फॉर समराइजिंग द डेटा स्टोर ऑन द पंच कार्ड। डेटा कहाँ पे स्टोर है? पंच कार्ड में। इसलिए इसको पता है क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का पहला स्टेप किस किस कंप्यूटिंग में किया गया? टैबुलेटिंग मशीन में। कब? टैबुलेटिंग मशीन में। उसके बाद अगला क्या है? ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन कॉन्सेप्ट वॉज जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है। ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। स्टोर इन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम स्टोर इन पंच कार्ड। तो ये भी ट्यूरिंग मशीन और टैबुलेटिंग मशीन दोनों पंच कार्ड के बेसिस पे काम करते हैं। अब आते हैं 1945 में। इसके बाद इसमें क्या होता है? EDVAC और ENIAC, ठीक है। अब ये हो क्या? सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमन, इसने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर व्हिच आर कैपेबल टू स्टोरिंग डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। मतलब डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करना इन द मेमोरी। अब देखो, EDVAC एंड ENIAC कंप्यूटर इसी बेसिस, इसी कॉन्सेप्ट पे डेवलप किए गए हैं। ट्रांजिस्टर क्या है? अब देखो, वैक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब के जगह पे कौन सा रिप्लेस किया गया? ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया। ये डेवलप किया गया एट बेल लैब्स, बेल लैब्स, और सेमी कंडक्टर मटीरियल का यूज करके, सेमी कंडक्टर मटीरियल का यूज करके। अब IC, यहाँ IC किसी से बना है? सिलिकन चिप से बना है। किसी से बना है? सिलिकन चिप व्हिच कॉन्टेन्स इंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन वेरी स्मॉल एरिया। द साइज ऑफ कंप्यूटर ड्रास्टिकली रिड्यूस बिकॉज ऑफ IC, इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण कंप्यूटर का जो साइज है ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के। अगला देखिए, आपको वॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आपको दिखना है, तो उसमें पता है क्या क्या होता है? एक इनपुट होता है, क्या होता है? इनपुट। और दूसरा क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसमें होता है, मेमोरी उसमें होता है, और आउटपुट उसमें होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और आउटपुट होता है। अब सबसे पहले ये इस फिगर में दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और साथ ही साथ इसके अंदर मेमोरी है जो कि क्या करता है? डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड पहला बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन है, तो ENIAC। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अगला पॉइंट देखो, पहले मैं मुरे ल के बारे में बताता हूँ। इंटेल के को फाउंडर 1965 में, पता है क्या बोलते हैं मुरे ल? ये मुरे ल इन्होंने दिया, वो बोला कि एक चिप पे जितना ट्रांजिस्टर लगेगा ना, वो हर साल दोगुना हो जाएगा। ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इस चिप पे, ट्रांजिस्टर का नंबर डबल हो जाएगा, नंबर डबल, बट इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नंबर डबल बट कॉस्ट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब समझिए, 1970 में क्या होता है? 1970 में ध्यान देना,
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलाउड किया गया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किसका? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अलाउ किया गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सीपीयू, कंप्लीट सीपीयू का जो इंटीग्रेशन है ना एक सिंगल चिप पे करते हुए, जिसका नाम रखा गया माइक्रो प्रोसेसर। सिंपल, लार्ज ए स्केल इंटीग्रेशन हुआ, पहले अलग अलग होता था बट इसमें इंटीग्रेशन हुआ और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। अब कंप्लीट सीपीयू को एक सिंगल चिप में कर डाल सकते हैं, जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब मूरे लक यही बोला था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर देखो एक माइक्रो चिप पे जितना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डाल लेना, ट्रांजिस्टर का नंबर दोगुना होगा, पैसा उसका आधा हो जाए कॉस्ट। 1980 में प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर ये एक्सपोनेंशियली बढ़ा बाय इंटीग्रेटिंग अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट ऑफ ए स्मॉल साइज चिप टर्म एज ए वेरी लार्ज। 3 मिलियन जो था ना कंपोनेंट, उसको स्मॉल साइज चिप को एक क्या बोला जाने, सबको मिला दिया गया और उसको क्या बोला जाने लगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब ये भयंकर लेवल लेवल का इंटीग्रेशन था, और एडवांसमेंट हुआ, ठीक है ना। फैब्रिकेटेड हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिस्टर अदर कंपोनेंट ऑन ए सिंगल। अब इस बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को आईसी में मिला दिया, जिसको क्या बोलते हैं, आईसी को सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईबीएम ने क्या किया, पहली बार 1981 में पहली बार कंप्यूटर बनाया। एप्पल ने क्या इंट्रोड्यूस किया, मैकिंटोश इंट्रोड्यूस किया उसके बाद 1984 में। उसके बाद पीसी का जो पॉपुलैरिटी है ना, और तब बढ़ गया जब इंट्रोडक्शन हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। इससे पहले बेस्ट, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। और पहले वो सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस था, जैसे यूनिक्स और डॉक्स, ठीक है ना। लेकिन जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गया कंप्यूटर का। उसके अलावा 1919 में ग्रोथ हुआ WWW का, ये और ज़्यादा लोगों को यूज करने पे मजबूर कर दिया। और अब तो कंप्यूटर इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गया सबके लाइफ का। और अब तो कंप्यूटर में लैपटॉप ये सब नया नया चीज़, अब तो वियरेबल कंप्यूटर भी यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 1940, 1950, ये इसके आसपास इन्वेंशन ऑफ हुआ था ट्रांजिस्टर। ये देखो कोर्स i7, ठीक है, तो ये ध्यान नहीं रखना है, बस ये दिखाना चाह रहे थे कैसे बढ़ा। देखो कितना पेज बचा है, कंप्यूटर मेमोरी से बाल आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हम कर लेंगे 3 से 4 वीडियो में कर लेंगे, छोटा छोटा वीडियो होगा, 20-20 मिनट का वीडियो होगा। यानी हमारा ऑलमोस्ट 80 to 90 मिनट में ना, 80 to 90 मिनट में हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, जो 1.5 घंटे में आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिलवा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर आप बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर मत करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।